खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अयोध्या के राम मंदिर को बम छुड़ाने की धमकी दी। उसने धमकी का वीडियो जारी किया और इस धमकी भरे वीडियो की जानकारी मिलने के बाद यहां राम जन्मभूमि परिसर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। वरिष्ठ अधिकारी खुद भी मौके पर मौजूद हैं और परिसर की सघन तलाशी भी ली जा रही है। पूरा वहां पुख्ता व्यवस्था है और एक सुरक्षा योजना के तहत वहां डिप्लॉयमेंट होता है। तो हमारे जो श्राइन है और उसका येलो जोन है पूरे अयोध्या सिटी में, हमने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है और जब भी इस तरह के कोई भी थ्रेट्स आती हैं हम उसका स्वतः संज्ञान लेते हैं। राम मंदिर की सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने पूरे परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया। धमकी भरे वीडियो की जानकारी मिलने के बाद राम जन्मभूमि परिसर में हाई अलर्ट कर दिया गया। वरिष्ठ अधिकारी खुद भी मौके पर मौजूद हैं और परिसर की सघन तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं, ATS और BDS की टीम एक्टिव मोड में है। इसके साथ ही PAC, CRP और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान रामनगरी की सुरक्षा की कमान संभाले हुए हैं। देखिए, सुरक्षा के पर्याप्त पुख्ता इंतजाम हैं, सभी लोग अलर्ट हैं। पूरे मेला क्षेत्र को अलग अलग जोन में, सेक्टर में विभाजित करके सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। खालिस्तानी आतंकी गुरवंत पंत सिंह पन्नू के द्वारा राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी के बाद राम मंदिर प्रशासन हाई अलर्ट है। सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में दर्शन मार्ग से ही सुरक्षा बलों को तैनाती की गई। इसके अलावा मंदिर परिसर में CCTV लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस, CRPF और PSC के जवान हर एक व्यक्ति पर नजर रख रहे हैं। चूंकि रामनगरी में पारंपरिक प्राचीन परिक्रमा मेला चल रहा है, ऐसे में पूरे रामनगरी की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है। ड्रोन कैमरे और CCTV कैमरे से नजर रखी जा रही है। ATS और BDS की टीमें इसके साथ ही खुफिया एजेंसी भी अलर्ट मोड पर हैं। कैमरा पर्सन सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज 18 अयोध्या। हरियाणा के पलवल में ओल्ड GT रोड पर PNG गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट हो जाने से 3 दुकानों में आग लग गई, साथ ही खुदाई कर रही JCB मशीन में भी आग लग गई। बताया जा रहा है कि पब्लिक हेल्थ की JCB पानी की लाइन के लिए खुदाई कर रही थी। JCB ने ज़्यादा गहराई में खुदाई की जिसके चलते लाइन में ब्लास्ट हो गया। आग लग जाने से अभी तक एक व्यक्ति की मौत की जानकारी मिली है। दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कॉर्बेट के आसपास के जलाशयों में उच्च हिमालयी क्षेत्रों से मेहमान परिंदे आने शुरू हो गए हैं। इन मेहमानों के कद्रदान भी इन्हें निहारने अब इन जलाशयों के पास जुटने लगे हैं। सुदूर हिमालय से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर प्रवासी पक्षी अब कॉर्बेट के आसपास के जलाशयों में डेरा डालने लगे हैं। ये पक्षी गर्मी की शुरुआत तक यहाँ रहेंगे, बाद में ये एक बार फिर यहाँ से वापसी की उड़ान भरेंगे। इन पक्षियों को देखने देश विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं, जो यहाँ बर्ड वॉचिंग के गाइड्स को अच्छा रोजगार दे जाते हैं, जिससे इनकी अच्छी आमदनी होती है। जो सर्दियों का समय होता है, ये प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत बढ़िया समय है और इसका इंतजार हम सब लोगों को यहाँ पर रहता है। जितने भी लोग यहाँ पर, चाहे स्थानीय जो शहरवासी ग्रामवासी हैं, उसके अलावा जो पर्यटक हैं या फिर जो बर्ड वॉचर हैं या फोटोग्राफर्स हैं, उनको इनका इंतजार रहता है और काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। करीब अक्टूबर नवम्बर से लेकर जनवरी फरवरी तक यहाँ पर रहते हैं ये पक्षी। यहाँ के कोसी बैराज, तुमड़िया, बौर और हरिपुरा जलाशयों में पहुँचते हैं। इन मेहमान परिंदों की सुरक्षा भी वन विभाग के लिए चुनौती होती है। जैसे ही अभी स्टार्ट हुआ है हमारे तुमरिया डैम, कोसी बराज और बाकी जलाशय में भी आने शुरू हो गए हैं, उसको देखते हुए हमने हमारे टीम को अलर्ट कर दिया है और हमारा पेट्रोलिंग टीम को भी अलर्ट कर दिया है, ताकि इनका सुरक्षा भी रहे और मॉनिटरिंग भी रहे। और इसके साथ साथ हमारा बर्ड काउंट का जो हमारा एनुअल प्रोसेस होता है उसको भी स्टार्ट कर दिए हैं। इस बार एक प्रपोजल भी भेजे हैं कि एक छोटा सा बोट का व्यवस्था के लिए भी एक प्रपोजल भेजे हैं। अगर ये बोट मिल जाता है तो ये पेट्रोलिंग एफर्ट में और ये स्ट्रेंथन हो जाएगा। अब सर्दियों भर यहाँ के जलाशय इन मेहमान परिंदों से गुलजार रहेंगे, जिनके दीदार के लिए पक्षियों प्रेमियों का हुजूम भी उमड़ेगा। न्यूज 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।